25 मई पिछले 24 घंटा में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर, नॉर्थ उड़ीसा में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश था गंजाम डिस्ट्रिक्ट का पात्रपुर 37.4 मिलीमीटर, उसका बाद कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का बोधगांव 32.0 मिलीमीटर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट का चांदबाली 25.8 मिलीमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट काल हमारा था नोआपारा में 44.0 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा में था 43.4 डिग्री सेल्सियस, तालचेर में था 43.2 डिग्री सेल्सियस। हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी कल मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा था 42.8 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा जो फोरकास्ट है अगला 5 दिन के लिए, अगला 5 दिन ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ बारिश होगा एक आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड वे में। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी सर्फेस के साथ बारिश होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी सर्फेस विंड 40-50 के पे ज्यादा चांसेस है। केउनझर, मयूरभंज, बालासोर, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, नयगढ़, खुर्दा, ढेंकनाल, कंधमाल, कोलाहांडी, नवरंगपुर, बलांगीर, नोआपारा ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश एक दो जगह करके होने का पॉसिबिलिटी है। फिर 26 कल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग स्लाइट कम हो सकता है। फिर 27 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी कुछ कुछ स्थानों पर रहने का चांसेस है। स्लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकता है। 28-29 पे भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश कुछ कुछ एरिया में रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर अभी अगला 2-3 दिन का अंदर स्लाइट कम हो सकता है, बट सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। एक दो जगह करके 42 एंड अबव टेम्परेचर रहने का चांसेस है, मेनली हमारा नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में। वेस्टर्न उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में इस समय स्वाभाविक टेम्परेचर भी 40-41 इस तरह से रहते हैं। और भुवनेश्वर सिटी में आज टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, गस्टी सरफेस विंड, आज बारिश का पॉसिबिलिटी है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 40 के आसपास भुवनेश्वर के पास रहेगा।